हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेस्ट बॉडी लोशन फॉर विंटर सीजन। फ्रेंड्स, विंटर सीजन के दौरान सही बॉडी लोशन का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर सीजन में क्या है ना, जो ठंडी हवा चलती है उससे हमारी स्किन सूख जाती है और हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके और आप ये जान सके कि कौन सा बॉडी लोशन आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा। तो टाइम इज मनी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी स्किन ना ज्यादा ड्राई है और ना ज्यादा ऑयली है, तो इसका मतलब आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन में आती है। तो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको ना एक लाइट वेट बॉडी लोशन चाहिए होगा, जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करे बिना स्टिकी फील दिए। इसके लिए आप एक क्रीम या लोशन ले सकते हैं जिसमें एलोवेरा या ग्लिसरीन हो। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो स्किन को अच्छा मॉइस्चर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल लोशन अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बॉडी लोशन ना नॉन ग्रीसी होते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। सेकेंड है ड्राई स्किन। तो आपकी स्किन अगर हमेशा सूखी रहती है और आपको अपनी स्किन में हमेशा एक खुश्कपन जो होता है या जो इचिंग होती है वो अगर आप फील करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई स्किन है। तो इसके लिए ना आपको एक थिक और क्रीमी बॉडी लोशन चाहिए होगा जो डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि ऐसे लोशंस में ना शिया बटर और कोकोनट बटर या जो ऑयल्स होते हैं ना, जैसे कि ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, वो होते हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को नरिश्ड और सॉफ्ट बनाते हैं। एग्जांपल के लिए वैसलीन इंटेंसिव केयर एडवांस रिपेयर लोशन काफी अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये स्किन को इंटेंस मॉइस्चर देता है। थर्ड है ऑयली स्किन। तो कैसे पता करें कि आपकी स्किन ऑयली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी आपको एक्ने या ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ऑयली है। इसके लिए आपको एक लाइट वेट ऑयल फ्री बॉडी लोशन चाहिए होगा, जो आपकी स्किन को मॉइस्चर भी करे और वो भी आपको बिना ग्रीसी फील दिए। तो आपको एक ऐसे बॉडी लोशन सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड या फिर जो टी ट्री ऑयल होते हैं ना, वो हो, क्योंकि ऑयली स्किन को ये कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लिनिक ड्रामेटिकली डिफरेंट हाइड्रेटिंग जेली एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये नॉन ग्रीसी होते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर फोर्थ पर है सेंसिटिव स्किन। और मेरी जो स्किन है ना, वो सेंसिटिव स्किन में ही आती है। कैसे पता करें कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है, तो मैं बताऊं, अगर आपकी स्किन मतलब इजीली इरिटेट हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और इचिंग होती है उसमें, तो इसका मतलब है आपकी स्किन सेंसिटिव है। मेरी तो है सेंसिटिव। इसके लिए ना आपको एक जेंटल हाइपोएलर्जिक बॉडी लोशन चाहिए होगा, जो कि फ्रेग्रेंस फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन के लिए एवेनो डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो बॉडी लोशन है ना, आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में मदद करता है। फिफ्थ और लास्ट है कॉम्बिनेशन स्किन। तो अगर आपकी जो स्किन है वो कुछ एरिया में ड्राई है और कुछ एरिया में ऑयली है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। इसके लिए आपको एक ऐसा बॉडी लोशन चाहिए जो कि बैलेंस करे। लाइट वेट लोशंस जो दोनों टाइप्स को हैंडल कर सके, वो एकदम बेस्ट होते हैं आपकी स्किन के लिए। आपको वाटर बेस्ड बॉडी लोशंस या फिर क्रीम्स चुननी चाहिए जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करें बिना एक्सेस ऑयल बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, सर्वे डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक बैलेंस्ड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है कॉम्बिनेशन स्किन वालों को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा बॉडी लोशन आपको यूज करना चाहिए, जिससे ये जो विंटर्स हैं जो आने वाली हैं या आ चुकी हैं, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो इन विंटर्स में आपकी जो स्किन है ना, वो एकदम स्मूथ रहे और हेल्दी रहे। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की हेल्प से आपको सही बॉडी लोशन सिलेक्ट करने में ज़रूर से मदद मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल सी जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी स्किन का टाइप कौन सा है, और अगर आप अभी बॉडी लोशन यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा बॉडी लोशन यूज़ कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।